तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैंने आप लोगों को हाथ और पैर, जो कि शेर का भी पैर, पीछे का, आगे का, सब कुछ मैंने बना के आपको वीडियो के माध्यम से दिखा दिया। तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे। और दोस्तों, इसके आगे का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, छोटी सी जगह में मैंने इतनी मूर्ति का हाथ एडजस्ट कर दिया है। और ये 500 मूर्ति का लगभग ये फ्रेम नीचे का है, जो पटरा से मैं बनाया हुआ हूँ। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही पटरा से ही बनाता हूँ, जो कि बांस से भी बना सकते हैं आप। जैसे कि गोला बांस आप काट कर 4 फुट का लगभग, नीचे का 2 फुट का, एक में दो भाग फाड़ेंगे, उसमें इसी तरह आप बना सकते हैं। लेकिन मैं पटरा से इसलिए बनाता हूँ क्योंकि इसमें बांस में रहता है तो लास्ट तक में कीड़े लग जाते हैं और दिक्कत हो जाती है, टूट भी सकता है। बाकी पटरा की चाहे तो साल भर पहले से ही पड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं होती, और ये फ्रेश भी रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है, और जो कि सही मुझे लगता है। बाकी आप लोग के ऊपर है, आप लोग चाहे पटरा से बनाएं चाहे तो बांस से। बाकी आप लोगों को मैं दिखा दूं कैसे मैं इसको बनाया हूँ। इसमें 6 होल किया हूँ, जो कि बड़ी मूर्ति का है। इसमें राक्षस वाली मूर्ति बनाएंगे, बड़ी या तो कोई भी डिजाइन। और ये सिंपल साधारण, जो कि 4 होल किए हैं, इसमें बांस काम लगते हैं। आगे चल के मैं मूर्ति टेम्पल और ये भी वाली बना के दिखा दूंगा, और बांस कैसे क्या लगाते हैं वो भी बता दूंगा। बाकी नीचे का जो फ्रेम जैसे भी मैंने बनाया हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप गौर से देखेंगे, दो दो कीला जो कि लगा के मैंने इसको अच्छे से ठोक कर मजबूत से सेट कर दिया है, ताकि इधर उधर हो ना। और ये 6 बांस पूरा फुल साइज रहेगा, 6 फुट 7 फुट लगभग, जितना साइज मूर्ति का ऊंचाई होगा उतना। और ये 4 बांस जिसमें लगाएंगे, ये सिंपल रहेगा मूर्ति, जैसे कि 4 फीट की मूर्ति मुझे बनाना है। इसमें 3 ही फीट का मैं बांस टुकड़ा लगाऊंगा, जैसे कि एक गोले में मैं 4 भाग फाड़ता हूँ, तो इसमें किसी धारदार औजार से या गड़ा से इसको पाइन करके इसी होल में गाड़ दिया जाएगा। जो कि पटरा की बात करें तो पटरा लगभग 3 इंची चौड़ाई है, फुल 1 इंची मोटान है इसका, और ये 4 फुट लंबा। तो इतने चौड़ाई मुझे मूर्ति का बनाना है, और इतना ढेर सारा इसी तरह मैंने बनाकर रख लिया हूँ, जो कि बनाते वक्त तो नहीं दिखाया, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ ही गए होंगे कैसे ये बना हुआ है। जैसे ऊपर का पटरा फुल लगा हुआ है, नीचे का टुकड़ा आधा आधा लगा हुआ है। और दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप लोग बोलते रहते हैं कि मैं आपका कमेंट का जवाब नहीं देता, सारे कमेंट का मैं जवाब देता हूँ, थोड़ा सा चाहे देरी सहित। और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि धूप इतनी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं मिट्टी का कोई वीडियो बना नहीं पाता हूँ। बाकी ये काम मूर्ति से रिलेटेड ही है, आगे चलकर इसी में मिट्टी का काम करके दिखाएंगे। कि दोस्तों, चलते हैं बांस के लिए, आपको बताते हैं कैसे बांस आप इसमें से कट करेंगे। जो कि मैंने इसका इसमें से काफ़ी बांस कट कर दिया हूँ और कुछ काम भी कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये बांस लगभग फाड़ गया है, एक भाग में 4 किए हैं। और जैसा कि कोई पतला है कोई मोटा है, तो उसके लिए हर जगह का लगेगा, और हल्का बांस है तो नीचे मंच में भी उसका थोड़ा बहुत उपयोग कर दिया जाएगा, तो ऐसे में कोई बांस खराब ना हो, छोटा से बड़ा हर बांस लग जाते हैं। तो ये बांस, और ये देखिए दोस्तों, बांस है जैसे लगभग, नीचे जड़ से आप बांस काटेंगे, ये थोड़ा सा चौड़ा मोटा होता है, इसलिए इसका थोड़ा सा लंबाई आप ज़्यादा कर देंगे। जैसा कि आप लोग मूर्ति 6 फुट 7 फुट रखते हैं, तो उसका साइज उतना ही इसके इसे काटेंगे, ताकि ये नीचे का जड़ का मजबूती रहे लंबाई के हिसाब से। और आगे चलकर जैसे दूसरा बार उसमें से बांस से कट करें, तो थोड़ा सा कम करते जाएं, जैसे 4 फीट हो गया, 5 फीट हो गया, जो कि 4-5 फीट इसी तरह के सिंपल मूर्ति में। अभी अभी हमने 4 होल का आपको दिखाया था, जैसा कि नीचे का फ्रेम, तो उसमें 4 फीट का बांस लग जाएगा। तो जैसा कि इसमें के ऊपर का कट करेंगे, तो 4 फीट का 3 फीट का काट लेंगे, जो कि बांस भी ज़्यादा नहीं लगेगा और अपना काम भी हो जाएगा। तो छोटा बड़ा बांस करके उसमें लगाएंगे, ताकि बांस की भी बचत हो।
तो दोस्तों ये फूल लगेंगे बस, जैसा कि हम लोग बड़ी मूर्ति बनाते हैं राक्षस का कोई मूर्ति, पूरा बैकग्राउंड से लेकर उतना ही साइज ये बांस फूल कटेगा। और जो सैंपल होते हैं 4 फुट मूर्तियां, उसमें सिर्फ 4 फीट मूर्ति सहित बैकग्राउंड अलग से लगाएंगे दोस्तों, उसमें का बांस 4 फुट का वो कटेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं ये बांस उस फाड़ रहे हैं, इतना काम हो गया है। जैसा कि दोस्तों ये 6 होल में 6 फीट का बांस लगेगा और ये 4 होल में 4 फीट का बांस लगेगा। छोटा मूर्ति लगभग इसमें का शेर और जो कि पूरा मूर्ति सहित 4 बांस में खड़ा कर देंगे। और ये डिजाइन वाली मूर्ति जैसे कि अगल बगल से बैकग्राउंड या तो तगड़ा डिजाइन कोई निकालना हो राक्षस वाली मूर्ति, तो ये 6 होल में पूरा बांस 6 फीट तक के हमका गाड़ देंगे। बाकी आगे चल के इसको भी दिखाएंगे। तो दोस्तों मैं इतना आपको बता दिया हूँ, आप समझ ही गए होंगे। जैसा कि फिर से आपको बता दूँ, नीचे का बांस जड़ का थोड़ा सा लंबाई ज़्यादा करेंगे, जैसा कि मजबूती भी होती है तो लंबा रहेगा तो उसमें लचक नहीं रहेगा। बाकी आगे चल के फिर से दोबारा कट करेंगे तो उसको थोड़ा छोटा करके जाइएगा। तो जड़ का बांस आप हमेशा बड़ा ही रखें, तो उसमें मूर्ति के लिए भी सही रहेगा, बैकग्राउंड के लिए भी सही रहेगा। तो लगभग यहाँ तक मेरा काम हो गया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ काम अलग से करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो हमेशा आप मेरा वॉच कीजिएगा, जो कि नई से नई जानकारी आपको देता रहूँगा। और अगर आप लोग मूर्ति सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों को आता रहूँ। बाकी दोस्तों मिट्टी से रिलेटेड अभी वीडियो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि धूप ज़्यादा होती है मिट्टी सूख जाती है, आप लोग जानते हैं इतना ज़्यादा गर्मी है इस समय, तो माफ़ी चाहता हूँ। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।